इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आधे नारियल को ग्रेट करके रेडी कर लेते हैं। ये सूखा नारियल का गोला है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे मीडियम साइज से ग्रेट करके रेडी कर लेते हैं। मैंने नारियल को ग्रेट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं। इसके ऊपर हम ये कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई जब हल्का सा गर्म हो जाए तब हम एक कप घी डालेंगे। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तब हम डालेंगे आधा कप बादाम और इसे हम मीडियम फ्लेम के ऊपर एक मिनट तक फ्राई करेंगे। एक मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे निकाल के प्लेट में डाल देते हैं। अब हम आधे कप काजू को फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। जब काजू गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे भी निकाल के प्लेट में डाल देंगे। अब हम आधे कप गोंद को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है। गोंद को फ्राई करते समय गैस के फ्लेम को लो रखना है ताकि गोंद अच्छी तरीके से फ्राई होकर रेडी हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े साइज़ का गोंद है इसे फ्राई होने में टाइम लगता है। अगर आप मीडियम और हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर में कच्चा रह जाएगा, तो उसका लड्डू जो है अच्छा तरीके से बनकर तैयार नहीं होगा। और इसे जब आप पीस कर भी अगर बना लेते हैं तो ये दांतों में जाके चिपकेगा खाने खाते समय। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसे फ्राई करते समय गैस का फ्लेम लो रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। जब यह गोल्डन ब्राउन फ्राई होकर रेडी हो जाए तब हम इसे भी निकाल कर एक प्लेट में डाल देंगे। और इसी तरीके से सारे गोंद को मैं फ्राई करके रेडी कर लूँगी। सभी गोंद को फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम एक कप मखाना को फ्राई कर लेते हैं। मखाना को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर क्रंची होने तक फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो चलिए इसे भी हम इसी ड्राई फ्रूट के अंदर निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम इसी बचे हुए घी के अंदर डालेंगे एक कप रोल्ड ओट्स। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो चलिए हम इसे भी डालकर भून लेते हैं। इसे भूनते समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। आधे मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद डाल देंगे हम जो ग्रेट करके नारियल को रखा था, उस नारियल को डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद डाल देंगे 1/4 कप तीसी, इसे फ्लैक्सीड भी कहते हैं। तो चलिए हम इसे डाल देते हैं। 1/4 कप वाटरमेलन सीड डालेंगे, तरबूजे का सीड डाल देंगे। 1/4 कप पम्पकिन सीड डालेंगे, कोहरा का सीड है या बीज है। सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भूनकर रेडी कर लेंगे। चार से पाँच मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक सीड्स और ओट्स ठंडा हो रहा है तब तक हम काजू बादाम और मखाना को हल्का दरदरा पीस कर रेडी कर लेते हैं ग्राइंडर जार के अंदर डालकर। मैंने इसे हल्का दरदरा पीस कर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे साइड पर रखते हैं और अब हम फ्राई किए हुए गोंद को इस बाउल की सहायता से मैश कर लेंगे। तो चलिए अब हम इस पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी इसी गोंद के अंदर डाल देंगे।
किसी भी चीज़ को पीसते समय पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अंदर इतना ज़्यादा घी है कि ये घी में ही अच्छी तरीके से पीस कर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं लिक्विडी टाइप में बना हुआ है ये। ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में डालने के बाद अब हम इसी के अंदर भुने हुए ओट्स और सीड्स को भी डाल देंगे। सभी चीज़ों को थाली में डालने के बाद अब हम लेंगे आधी किलो डेट्स, खजूर है ये। मैंने 500 ग्राम खजूर ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लेते हैं। मैंने खजूर को 2-3 पानी के साथ में अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके सीड को निकाल देते हैं। ये सीड वाला खजूर है। तो चलिए मैंने इसके सीड को निकाल दिया है। हम सीड को साइड कर देंगे और इसके पल्प को साइड में प्लेट में रख देंगे। इसी तरीके से सारे खजूर को हम रेडी कर लेते हैं कट करके। सभी सीड्स को मैंने कट करके रेडी कर लिया है। इसके सीड को साइड में कर दिया और पल्प को एक प्लेट में डाल दिया है। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंडर जार के अंदर डाल के हल्का दरदरा पीस कर रेडी कर लेते हैं। जितना पॉसिबल हो सके उतना पीस कर रेडी कर लेना है इसे। थोड़ा थोड़ा करके हमें पीसना है इसे। मैंने इसे हल्का दरदरा पीस कर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसे प्लेट में डाल देते हैं। प्लेट में डालने के बाद अब हम लेंगे दोबारा से मिक्सी जार और इस जो बचा हुआ डेट्स है इसे भी हम पीस कर रेडी कर लेंगे। मैंने इसे भी पीस कर रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इसे भी प्लेट में डाल देते हैं। तो चलिए अब हम दोबारा से गैस को ऑन कर देंगे और इसके ऊपर चढ़ा देंगे कढ़ाई। मैंने उसी कढ़ाई को चढ़ाया जिसे मैंने सीड्स और ओट्स और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रेडी किया था। कढ़ाई चढ़ाने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे पीसा हुआ डेट्स। डेट्स डालने के बाद हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी हल्का फुल्का नमी हो वो दूर हो जाए, क्योंकि डेट्स को मैंने पानी से अच्छी तरीके से धो के रेडी किया था इसलिए इसे भूनना ज़रूरी है। सात से आठ मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद जब ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और ये ट्रांसपेरेंट दिखना शुरू हो जाए तब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे जो मैंने सीड्स और ड्राई फ्रूट्स को पीस कर रेडी किया था, भुनने के बाद पीस लिया था, इसे हम डाल देंगे। सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर हल्दी पाउडर, अदरक का पाउडर और इलायची का पाउडर भी डालकर बना सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका लड्डू बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से लड्डू बनकर रेडी हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बना कर रेडी कर लेते हैं। आपको जिस भी साइज में बनाना हो, बड़ा छोटा जैसा भी बनाना चाहते हैं उस साइज में आप बना कर रेडी कर सकते हैं। आप इस लड्डू को गुड़ की चाशनी के साथ भी बना कर रेडी कर सकते हैं। आप इस लड्डू को बनाते समय गुड़ की चाशनी के साथ भी बना कर रेडी कर सकते हैं। मैंने इस लड्डू के अंदर रोल्ड ओट्स का इस्तेमाल किया है। आप उसकी जगह पे गेहूं के आटे का या फिर बाजरे के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी में भूनकर इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने सभी लड्डू को बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर देते हैं।
सभी लड्डू को बनाने के बाद मैंने इसे सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए अब हम आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाते हैं कि ये लड्डू अंदर से किस तरह से बनकर रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये लड्डू बनकर रेडी हुआ है। जितना अच्छा ये देखने में है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी और हेल्दी है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करेंगे आप। इस लड्डू को बनाने के बाद बिना फ्रिज में रखे ही बाहर भी इसे रखकर आप महीना से डेढ़ महीना दो महीना तक खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला हुआ है, ये बिल्कुल ड्राई बनकर रेडी हुआ है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करेंगे।